मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुमरा बाईपास पर चरनी पाड़ा जो टोल नाका का इलाका है वहाँ पर मौजूद है। दरअसल यहाँ पर एक केमिकल से भरा टैंकर जो है ये पलटी हो गया है। आप देखेंगे कि ये टैंकर जो है नाले में गिर गया है। आज सुबह करीब 5 से 6 बजे के आसपास में यहाँ पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कल्याण के तरफ से ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर आ रहा था और यहाँ पर ढलान पर ब्रेक फेल होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये टैंकर जो है यहाँ नाले में आकर गिर गया और उसके बाद इस टैंकर में जो है आग लग गई, ऐसा जो है बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, इन लोगों ने जो है जो ड्राइवर था इसमें, वो ड्राइवर केबिन में फंस गया था लेकिन उसे जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन आग जो लगी थी, बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची, उसके बाद आग को बुझाया गया। यातायात काफ़ी देर तक यहाँ पर बंद रही लेकिन आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास जब यह हादसा हुआ, यह काफ़ी भयानक हादसा था, इसमें जो है आग लगने की भी घटना यहाँ पर सामने आई। लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से जो ड्राइवर था उसकी जान बच गई है। आप देखेंगे केबिन था यहाँ पर जिसमें ड्राइवर बैठता है और बताया जा रहा है ड्राइवर इसमें फंस गया था और आग भी लग गई थी। लेकिन जो यहाँ आप देखेंगे घर बने हैं, झोपड़े हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है इस ड्राइवर को इसमें से बाहर निकाला और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम यहाँ पर पहुँची और जो आग लगी हुई थी आग बुझाया गया। लेकिन देखेंगे आप गाड़ी का जो पहिया है ये सब पूरी तरह से लेकिन जल गया और जो केमिकल इसमें भरा हुआ है वो काफ़ी ख़तरनाक केमिकल है और ये केमिकल का देखेंगे आप इसमें से भाप भी निकल रहा है, धुआं ये यहाँ पर जब आता है काफ़ी खांसी भी आती है, काफ़ी ख़तरनाक केमिकल यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से हम बात करेंगे कि हादसा जब हुआ ये 5 से 6 बजे के आसपास ब्रेक फेल होने की वजह से जो नाला है सैनिक नगर का, उस नाले में आकर ये टैंकर गिरा है। आप यहाँ पर रहते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान मोहम्मद शेख है। ये हादसा जो हुआ यहाँ पर जी, ये केमिकल जो इसमें से निकल रहा है जी, कितने बजे हादसा हुआ था? ये तकरीबन सुबह 5:30-6 बजे के बीच में ये हादसा हुआ, ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। आग भी लग गई थी बताया जी, आग लग गई थी। ड्राइवर जब गाड़ी गिरी तो ड्राइवर चिल्ला रहा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला और उसे मतलब सेफ जगह पे लेके गए और उसके बाद में यहाँ दोनों टायर में आग लग गई, ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ सर। ड्राइवर सुरक्षित है? जी सर, ड्राइवर सुरक्षित है, ड्राइवर को निकाल लिया गया। जैसे ही ड्राइवर की आवाज़ आई तो जैसे ही मतलब टायर फटने की आवाज़ आई तो यहाँ के स्थानीय लोग जागे हुए थे। आग लगने की वजह से टायर टायर फटा और उससे आवाज़ आई तो ड्राइवर जो यहाँ के स्थानीय लोगों थे उन्होंने देखा तो ड्राइवर को सेफली निकाला गया। फौरन आई थी वहाँ पे, यहाँ पे आके उन्होंने सब चेक किया और गैस निकल रही थी तो लोगों को दूर किया, इसमें गैस थी तो जी अभी भी गैस निकल रही है क्योंकि उसमें बचा हुआ गैस निकल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सुना आपने कि जिस तरह से यहाँ पर ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर जाके टोल नाका है यहाँ पर, और टोल नाके से पहले ही यहाँ पर देखेंगे आपकी ये सैनिक नगर का इलाका है, ये बड़ा सा नाला है और इसी नाले में ये टैंकर जो है केमिकल इसमें भरा हुआ था, ये यहाँ पर आकर पलटी हो गया। दरअसल यहाँ पर हादसे जो है वो होते रहते हैं क्योंकि आगे की तरफ से जो है काफ़ी ढलान है और अगर स्पीड में गाड़ी रहती है तो वो कंट्रोल नहीं होती और शायद ऐसा ही कुछ हुआ। टैंकर था ये और ब्रेक लगाया लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने के बाद देखेंगे जो ये बैरिकेड लगी हुई थी, ये बैरिकेड तोड़ते हुए ये केमिकल से भरा टैंकर जो है ये नीचे नाले में गिर गया। लेकिन गनीमत रही कि जो वक्त रहते यहाँ के स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को इस केबिन से बाहर निकाला। लेकिन अभी भी दोपहर का समय हो गया है और इसमें से केमिकल जो है वो शायद केमिकल का भाप जो रिसीव हो रहा है इसमें से निकल रहा है बाहर, ये पूरा बाहर की तरफ निकल रहा है और इससे लगता है तो काफ़ी खांसी भी आती है, इससे काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन अभी बाईपास का रास्ता जो है ये धीरे धीरे खोल दिया गया है और धीरे धीरे गाड़ियों को शील फाटा की तरफ जाने दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और मनपा आपत्ति व्यवस्थापन की टीम यहाँ पर मौजूद है। सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ,
लेकिन इसमें किसी भी तरह की जानी नुकसान की खबर नहीं हो। चचा आगे मत जाओ, खतरनाक है वो, आगे मत जाओ आप, पीछे आओ पीछे। अरे ये देख, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। ये बैरिकेड देखेंगे आप, बैरिकेड तोड़ते हुए जो है ये नाले में गिरा था। अगर ये नाले के ऊपर ही देखेंगे कि ये यहाँ पर रुक गया है, अगर ये नीचे गिरता तो ये टैंकर जो है फट भी सकता था, स्थिति और भी ख़राब हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि इस दीवार पे ये रुक गया, आगे का हिस्सा जो है वो नीचे गिरा। ड्राइवर सुरक्षित है, लेकिन आपत्ति व्यवस्थापन की टीम और फायर ब्रिगेड मनपा के अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बाईपास का ये ट्रैफिक देखेंगे आप कि धीरे धीरे जो है सुचारू रूप से शिरफाटा की तरफ जाने दिया जा रहा है।